क्या नाम है आपका? पवित्र। कहाँ से आते हैं? गुड़गांव। गुड़गांव में कहाँ से? सेक्टर 5। सेक्टर 5 में कहाँ से? सेक्टर 5 में है, वहाँ पर मदर डेयरी है उसके पास। अच्छा, लैंडमार्क मदर डेयरी। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको? उस समय क्या है, इनको एक तो फीवर काफ़ी बहुत ज़्यादा था, 110 के बाद कंटिन्यूस रहता था, और बीपी काफ़ी हाई था, 200 से अप था, और बाकी इनको वोमिटिंग काफ़ी होती थी। फीवर रेगुलर बना रहता था। फीवर तो हमारा 10-15 दिन तक कंटिन्यूस बना हुआ था। क्रिएटिनिन कितना रहता था? दैट टाइम जब हमने फर्स्ट चेक कराया था 3 अबव था। कहाँ से कराया था टेस्ट? मेदांता से। मेदांता। कितना टाइम हो गया आपको ट्रीटमेंट लिए? 1.5 मंथ। अभी क्रिएटिनिन कितना है? नाउ इज 2। ठीक है, तो अभी फिजिकली कैसे लग रहे हैं, चेंजेस कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो एकदम कमजोरी आ रही थी, ऐसे ऐसे काम करने का मन नहीं कर। अब काम कर रहे हो सर? हां कर रहा हूं। खाना पीना बना लेती हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपको पूरा लिख के देंगे, वो डाइटिशियन समझा भी देंगे आपको। दिस वॉज द टेस्ट दैट वॉज कंडक्टेड ऑन 9th of February 2018। पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्टेड ऑन अबाउट 1st week of January। एट दैट टाइम द क्रिएटिनिन लेवल वॉज अबाउट 3, and then it came down to 2.8, and now it is about 2.3, and again it has reduced to about 2. The current creatinine level is 2.3 to 2. It is continuously coming down, and these all results are there in within a 1 month time. These reports are from the Medanta Hospital, Gurgaon, और उन्होंने graphically represent करा है कि किस किस तरीके से इनका creatinine जो है वो reduce हुआ है, किस किस तरीके से creatinine में इनके changes आए हैं. Not only creatinine, when we talk about the kidney problem, we need to consider each and every electrolyte that we are talking about. Now see the bicarbonates, this bicarbonate level was reduced earlier, now it increased to about 23, which is within the normal range. When we talk about the calcium levels, calcium level was about 8.8, now it has come to about 9.3. So not only the electrolytes, there is an improvement in almost each and every aspect that the patient has to incur when he or she is suffering from the kidney problem. So they started up early and they came up to us, and they can see the results and the changes are there in each and every aspect that the patient expects when he come to us. आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है, और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।